तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कानवी टेक में। और दोस्तों इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 के कैरियर एयर कंडीशनर के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशली फ्लेक्सी कूल कैरियर का फ्लेक्सी कूल एयर कंडीशनर क्या क्या इसे स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके फीचर फंक्शन सारे डिटेल्स में मैं बताऊँगा। और दोस्तों अगर कैरियर की बात की जाए तो एयर कंडीशनर की मार्केट में सबसे पुराना ब्रांड है। और दोस्तों कैरियर ही एयर कंडीशनर का इन्वेंटर है और तकरीबन 118 सालों से ये एयर कंडीशनर बना रहा है। और एयर कंडीशनर में आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी के एयर कंडीशनर आपको कैरियर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर के 2021 के फ्लेक्सी कूल एयर कंडीशनर के बारे में। और दोस्तों अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो इसका जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो बेस्ट मॉडल्स हैं कैरियर के सारे के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ पे आके जाके आप उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, बताऊँगा मैं सारे स्पेसिफिकेशन पूरे डिटेल में। तो दोस्तों कैरियर के फ्लेक्सिकूल एयर कंडीशनर आपको मिल जाएंगे 3 स्टार और 5 स्टार दोनों वेरिएंट में। और अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसमें मिल जाएगा 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 2 साल का इसका पीसीबी का वारंटी और 10 साल का इसका जो कंप्रेसर है इन्वर्टर कंप्रेसर उसका 10 साल का वारंटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कैरियर के फ्लेक्सी कूल एयर कंडीशनर आपको मिल जाएंगे 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ। आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज में, आप फुल समर में इसे 1.6 टन में भी आप इसे कन्वर्ट करके चला सकते हैं, यानी 1.5 टन का जो आपका एयर कंडीशनर है वो 1.6 टन में कन्वर्ट होके भी आप फुल समर में चला सकते हैं। और आप इसे नॉर्मल 1.5 टन 100% मोड पे भी चला सकते हैं। इसे आप 1.2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा गर्मी नहीं है, जुलाई या अगस्त के सीज़न में। और आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर में आप इसे 0.8 टन में भी कन्वर्ट करके चला सकते हैं। यानी ये डिफरेंट कूलिंग मोड्स के साथ आता है, जिसके बेनिफिट्स ये हैं कि दोस्तों आप जितना आप कन्वर्ट करेंगे, यूसेज के हिसाब से आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका पावर कंजप्शन है जो काफ़ी कम हो जाएगा और इससे एनर्जी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड काफ़ी बढ़िया फीचर है। और दोस्तों ये मोड चेंज करने के लिए आपको मिल जाएगा फ्लेक्सी कूल रिमोट। रिमोट के अंदर ही आपको मोड्स के सारे बटन्स मिल जाएंगे जिससे आप जस्ट पुश करके पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं एयर कंडीशनर को। कैरियर के फ्लेक्सिकूल इन्वर्टर एसी में आपको मिल जाएगा हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी। दोस्तों कैरियर ने हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी इसलिए बनाया है कि ताकि आपका जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी ये नॉर्मली वर्क करता रहेगा। और अगर आपके वहाँ पर पावर फ्लक्चुएशंस है, जहाँ पर आपको लोअर फ्लक्चुएशन, अगर पावर फ्लक्चुएशन लो हो जाता है तो भी ये नॉर्मली वर्क करता रहेगा। और जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी दोस्तों इस तरह से बनाया गया है कि जो आउटडोर रहता है एयर कंडीशनर का आउटडोर, उसमें एक अलग से वेंट दिया गया है जिसके पीछे कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है तो वहाँ पे एक वेंट दिया गया है ताकि वो कूल रह सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रह सके। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, बाहर जो फैन होता है वो बाहर की तरफ एयर थ्रो करता है और अंदर से एक हवा सक्शन करेगा जो कंप्रेसर को ठंडा रखेगा। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी दिया गया है दोस्तों, इसके पीसीबी के अंदर से इन्होंने जो कंडेंसर कॉइल है इसको पीसीबी के अंदर से निकाला है ताकि पीसीबी भी काफ़ी कूल रह सके और हायर एफिशिएंसी में वर्क कर सके। तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है, किसी भी एयर कंडीशन में आपको ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। तो इसके साथ आपको मिल जाएगा स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले। दोस्तों स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले यानी ये आपको किलोवाट, आपका एयर कंडीशनर कितने किलोवाट पे वर्क कर रहा है वो एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ आपको दिखाएगा। जब आप एसी को ऑन करेंगे, जब आपका एसी चल रहा है तो कितने किलोवाट पे चल रहा है एग्जैक्ट आपको 0.8 है, 1 किलोवाट है, 0.5 किलोवाट है, जितना भी किलोवाट पे ये चल रहा है ये आपको स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले में आपको दिखाएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका एयर कंडीशनर है जो कितने किलोवाट पे कितना एनर्जी कंजप्ट कर रहा है। तो दोस्तों कैरियर के इस वाले एयर कंडीशनर में आपको वाईफाई का फीचर भी मिल जाएगा। वाईफाई एनेबल है ये, यानी आप एप्लीकेशन के थ्रू कहीं से भी आप अपने एयर कंडीशनर को ऑपरेट कर सकते हैं। स्विच ऑफ ऑन ऑफ करना है या टेम्परेचर कंट्रोल करना है या कोई भी जो आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, जो रिमोट की मदद से सारा आपको मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन के थ्रू। और आप अगर आपके घर पे स्मार्ट स्पीकर्स है या एलेक्सा गूगल होम है या किसी भी डिवाइस से आप वॉइस कंट्रोल भी आप इसे कर सकते हैं।
तो वाईफाई का फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और दूसरे यूनिक फीचर की बात की जाए तो इसमें मिल जाएगा आपको फॉलो मी का ऑप्शन, यानी अगर आप रिमोट अपने रूम में किसी भी कोने में अगर आप रिमोट के साथ बैठे हुए हैं तो रिमोट के अंदर एक ऐसा सेंसर दिया गया है ताकि एसी को पता चल जाएगा कि यूज़र इस तरफ या लेफ्ट है या राइट है, किसी भी जगह बैठा है, तो वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म कूलिंग मिल जाएगी। तो फॉलो मी मोड भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो दोस्तों अगर इसके फ़िल्टर्स की बात की जाए तो इसके अंदर मिल जाएगा आपको 2 PM 2.5 फ़िल्टर, जो कि आपके रूम के अंदर से PM 2.5 पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर देगा, और साथ ही मिल जाएगा आपको डस्ट और एक कैटेचिन फ़िल्टर। तो दोस्तों एयर कैरियर का ये वाला एयर कंडीशनर आता है स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन के साथ, यानी स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन में इसमें होता है दोस्तों 150 to 280 वॉट तक का जो पावर फ्लक्चुएशन है, अगर आपके वहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन होता है तो इसमें पीसीबी या इसके अदर कंपोनेंट्स में हार्म होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आपका पावर फ्लक्चुएशन हैंडल कर लेगा और आपका एसी नॉर्मली वर्क करता रहेगा, तो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों कैरियर के इस वाले एयर कंडीशनर में मिल जाएगा आपको 100% कॉपर कंडेंसर। अगर कॉपर कंडेंसर की बात की जाए तो दोस्तों जो पहले जो आता था एलॉय कंडेंसर, उसके अंदर होता था ये दोस्तों, अगर उसके अंदर लीकेज हो जाता था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता था तो उसको आपको चेंज करना पड़ता था। लेकिन कॉपर कंडेंसर का बेनिफिट ये है, अगर उसमें से कोई लीकेज होता है तो आप वहाँ पे उसे वेल्ड करके लीकेज ठीक कर सकते हैं। तो कॉपर कंडेंसर अगर आप लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए लेना चाहते हैं तो कॉपर कंडेंसर एक बढ़िया सा फीचर रहता है किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर। तो दोस्तों ये था कैरियर का फ्लेक्सिकूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर। तो 2021 में आपको ये वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा, और अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा पूरे आंसर्स देने की। और दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई ब्रांड्स के इसी तरह के वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।